वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं उनका अपना ही महत्व है। लोग कहते हैं कि माँ बच्चे को जन्म देती है, इसलिए माँ से बच्चे का अधिक लगाव रहता है। पर ऐसा नहीं है, पिता भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं जितना माँ करती है, पर वे किसी को दर्शाते नहीं। इसी तरह हर एक बच्चा भी अपने पापा से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसके पापा उसके लिए किसी हीरो से कम नहीं होते, क्योंकि वे वही व्यक्ति है जो खुद दुखी रहकर अपने बच्चों को सुख देना जानता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए सारी दुनिया अनजान होती है, लेकिन जैसे ही वे अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने पापा की ओर देखता है तो वे बच्चा तो कुछ नहीं समझ पाता, परंतु उसके पापा तभी से एक सपना सजोना शुरू कर देते हैं कि अब मैं पापा बन गया हूँ, मेरी इस बच्चे के प्रति बहुत जिम्मेवारियां हैं और मैं इसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। आज इस वीडियो में मैं एक बच्चे के मन में अपने पिता के लिए जो प्यार है उसे शेयर करने जा रही हूं। यह बच्चा अपने बचपन को याद करके कहता है, जब मैं पूरी रात नहीं सोता था तब मम्मी के साथ पापा भी जागते रहते थे और मुझे सुलाने की कोशिश करते थे। जब मैं सो जाता तो मेरी कहीं नींद ना खुल जाए, इसके लिए वे पूरी रात एक करवट में ही बिता देते थे। रात पर नींद पूरी ना होने पर भी सुबह सुबह काम पर चले जाते थे और अपने परिवार के लिए मेहनत करके कमाते थे। सारा दिन काम करके जब थक कर घर आते थे तो अपनी सारी थकान बुलाकर मुझे गले लगाते थे। कभी कभी मेरे लिए चॉकलेट, टॉफ़ी या मीठे फल भी लाते थे। मेरा भी पापा के साथ प्यार बढ़ने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खटकता मेरी निगाहें तब तक दरवाजे पर रहती जब तक पापा न दिख जाए। जैसे ही पापा दिखते मैं खुशी से मुस्कुराकर जो इशारे आते वही करके अपने पापा को अपने पास बुलाता कि पापा जल्दी आओ और मुझे गले लगाओ। पापा भी मेरी खुशी के लिए कभी हाथी तो कभी घोड़ा बन जाते। समय बीतता गया, मैं स्कूल जाना शुरू हुआ। वे सुबह सुबह मुझे स्कूल वैन तक छोड़ने जाते और रास्ते में टेबल्स याद कराते, रोज़ सुनते ताकि मैं भूल ना जाऊँ, और रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाते। एग्ज़ाम डेज में मम्मी से पिटने से बचाते, कुछ भी जो समझ ना आता बड़े प्यार से समझाते, अपनी इच्छाओं को दबाकर मेरा हर सपना पूरा करते। बेटा जो मैं नहीं जिया वे तुझ में जीना चाहता हूँ, इसलिए तेरी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। अपनी सेहत की परवाह किए बिना मेरे साथ हर कदम चलते, मेरे फ्यूचर की चिंता रहती इसलिए सबसे मेल बनाते थे। मुझे मंजिल की राह दिखाकर बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। आज अकेला हूँ तो बस यही सोचता हूँ कि कैसे आपकी इच्छा पूरी करूँ, पर वादा रहा आपसे एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करूँगा। मैं आज भी आपके बिना जी रहा हूँ, पर आपके बिना जीने में कोई मज़ा नहीं है। घर में आज भी सब अपने तरीके से ख्याल रखते हैं, पर आपसे जो जिद करके चीज़ लेने का मज़ा था वे अब कहाँ। त्योहारों में आज भी बचपन की तरह दरवाजे पर नज़र रखता हूँ कि कब आप आएंगे और मुझे आवाज़ लगाकर गले लगाएंगे, लेकिन जब आप नहीं दिखते तो छिप छिप कर रोता हूँ। जब दूसरों को अपने पापा के साथ जाते हुए देखता हूँ तब आपके साथ बिताए हुए हर पल याद करता हूँ। फादर्स डे जो पिता के सम्मान और प्यार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पापा का प्यार हमारे लिए किसी स्पेशल डे नहीं आता, वे तो हमें रोज़ ही वैसे ही प्यार करते हैं, इसलिए किसी डे की वेट ना कीजिए और प्यार से बस पापा को लव यू पापा बोलकर देखें। क्योंकि पहाड़ की तरह सीना तानकर खड़े हुए पापा हम पर कोई मुसीबत आने ही नहीं देते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।